प्लैनेट अर्थ का ज्यादातर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी महासागरों से, जिसमें लाखों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे विशाल जीव ब्लू वेल्स तक। जाहिर है यही विशाल जीव हमारे पृथ्वी को बेहतर बनाने में अहम किरदार निभाते हैं, और इन्हीं विशाल जीवों में से एक जीव है द स्पर्म व्हेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है जिसके पास दांत है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, लेकिन ब्लू व्हेल्स के पास दांत नहीं होते हैं, इसीलिए स्पर्म व्हेल इज द लार्जेस्ट प्रेडेटर हैविंग टूथ। तो चलिए हम बात करते हैं इस एपिसोड में कि स्पर्म व्हेल्स कहाँ पाए जाते हैं और क्यों इतने खास होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप एनिमल्स से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देख सकें। एक स्पर्म व्हेल का ब्रेन पूरी दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं उन सब में सबसे बड़ा होता है। समुद्र की 3 किलोमीटर तक गहराइयों में जाने वाला यह व्हेल अपना ज्यादातर समय स्क्विड्स का शिकार करने में गुजारता है। वैसे स्पर्म व्हेल्स का पता लगाना काफी चुनौती भरा काम है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में पाया जाने वाला यह जीव 90 मिनट तक अपनी सांसें रोके रह सकता है। स्पर्म व्हेल गहराइयों में जाने से पहले सतह पर 10 मिनट तक रहता है, और इस दौरान वह 50 बार सांसें लेता है। स्पर्म व्हेल दुनिया का सबसे लाउडेस्ट एनिमल है, यानी दुनिया में सबसे तेज आवाज इसी की होती है। एक स्पाइस जेट जब टेक ऑफ करता है तब उसकी आवाज 188 डेसिबल की होती है। लेकिन एक स्पर्म व्हेल की आवाज, जिसे क्लिक्स कहते हैं और इसका यूज वे कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, जिसकी लाउडनेस 230 डेसिबल की होती है, और एक इंसान का एयर ड्रम 150 डेसिबल में परमानेंटली डैमेज हो जाता है। स्पर्म व्हेल्स की आवाज में पाए जाने वाले शॉक वेव्स 10 किलोमीटर तक की दूरी से भी महसूस किया जा सकता है। स्पर्म व्हेल्स दुनिया की सभी समुद्र में पाई जाती है, और ये लगभग 20 मेंबर के ग्रुप्स में रहते हैं, जिसे पॉड्स कहा जाता है। हालांकि मेल स्पर्म व्हेल्स 4 साल की उम्र के बाद पॉड छोड़ देता है और अकेले रहना पसंद करता है। एक नई रिसर्च से यह पता चला है कि हर अलग अलग पॉड्स की कम्युनिकेशन करने की आवाज अलग अलग होती है। एक स्पर्म व्हेल 53 से 66 फीट तक लंबा होता है, यानी एक डबल डेकर बस के बराबर, जिसका वजन 80 टन तक का होता है। वेल, सिर्फ इसका सिर ही इसके शरीर का एक तिहाई हिस्सा होता है। यह प्रीहिस्टोरिक जीव पिछले 1 करोड़ सालों में जरा भी इवॉल्व नहीं हुआ है, और इन्हीं वेल्स का एंसेस्टर था लेवियाटन व्हेल, जो दूसरे वेल्स का शिकार किया करता था। स्पर्म व्हेल्स के ताकतवर जबड़ों में 50 नुकीले दांत होते हैं, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे और हर एक का वजन 1 केजी तक का होता है। स्पर्म व्हेल्स अपनी जिंदगी का 85% हिस्सा गहरे पानी में शिकार करते हुए बिताती है। इनके शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, जिसका उपयोग वे ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए करती हैं। यूं कहें तो इनका जितना बड़ा आकार होगा वह उतने ही सफल शिकारी होंगे, यानी स्पर्म व्हेल्स अपने बड़े आकार के वजह से ही आज सरवाइव कर रही हैं। एक एडल्ट स्पर्म व्हेल दिन भर में 1 टन स्क्विड और मछली खा सकती है, यानी स्पर्म व्हेल्स अकेले ही उतनी मछली खाने के लिए जिम्मेदार है जितनी दुनिया भर की फिशरीज मछली पकड़ने के लिए। एक स्पर्म व्हेल 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है, वह भी लगभग 1 घंटे तक। स्पर्म व्हेल्स मनुष्य की तरह 70 साल तक जीवित रहता है, और एक नर 50 साल तक बढ़ता है, यानी ग्रो करता है।
स्पर्म व्हेल्स के हार्ट का वजन 125 केजे तक का होता है। अब सवाल यह आता है कि स्पर्म व्हेल्स इतने खास क्यों हैं? इसकी एक वजह है, यह जीव खाने के बाद अपना मल त्यागने के लिए सतह पर आती है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में आयंस और नाइट्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में प्लांट प्लैंक्टन पनपते हैं और पूरी दुनिया में 80% ऑक्सीजन इन्हीं प्लांट प्लैंक्टन की वजह से होती है। कई सालों तक हम मनुष्य ने स्पर्म व्हेल्स का शिकार किया, जिससे इनकी 2/3 आबादी मारी गई। और हमने इसका शिकार इसलिए किया क्योंकि इसमें एक स्पर्मसाती नाम की वैक्सीन सब्सटेंस पाया जाता है, जिसका उपयोग बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कॉस्मेटिक कंपनीज करती हैं। साथ ही एम्बरगिस नाम का मटेरियल इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, जो बेशकीमती परफ्यूम्स में यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझना होगा कि यह विशाल जीव कैसे हमारी धरती और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। एक बहुत ही फेमस नॉवेल मॉबी डिक, जिसपे इन द हार्ट ऑफ द सी मूवी बनी है, जिसमें एक वेल को दिखाया गया है और वह वेल एक स्पर्म वेल है जो एक शिप पे अटैक करता है, जिसका नाम है एसेक्स। कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो इन द हार्ट ऑफ द सी मूवी देखी है। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.